हाय गाइस, वेलकम टू टुडेज न्यूज, जहां हम कराते हैं एंटरटेनमेंट की दुनिया से आपका डायरेक्ट कनेक्शन। मैं हूं सपना और आज हम बात करेंगे सुपरस्टार ऋतिक रोशन और कैटरीना कैफ की फिल्मों के बारे में। बता दें कि ऋतिक रोशन और कैटरीना कैफ एक साथ दो फिल्मों में नजर आए थे, जिनमें से एक थी जिंदगी ना मिलेगी दोबारा और दूसरी थी बैंग बैंग। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा साल 2011 में रिलीज हुई थी, जिसे डायरेक्ट जोया अख्तर ने किया था। फिल्म में ऋतिक के अलावा अभय देओल, फरहान अख्तर और कैटरीना कैफ और कल्कि मेन रोल में नजर आए थे। फिल्म की कहानी दोस्तों में आए दरार और उनकी जिंदगी में आए उतार चढ़ाव के बीच में लिखी गई थी। इसके गाने को भी दर्शकों ने काफी ज्यादा प्यार दिया था। तो वही दूसरी ओर आई थी बैंग बैंग। बैंग बैंग साल 2014 में आई, जिसे सिद्धार्थ आनंद ने डायरेक्ट किया था। फिल्म को प्रोड्यूस फॉक्स स्टार स्टूडियोज ने किया था। ये फिल्म भी दर्शकों को काफी पसंद आई थी। वैसे ये अमेरिकन फिल्म की रीमेक थी, जो कि 2010 में आई थी। बैंग बैंग को भी दर्शकों ने काफी पसंद किया था और इसने लगभग 330 करोड़ की कमाई की। तो वहीं जिंदगी ना मिलेगी दोबारा इसमें थोड़ी सी पीछे रह गई, क्योंकि उसने करीब 150 करोड़ की कमाई की। आपको इन दोनों में से कौन सी फिल्में ज्यादा पसंद है, हमें कमेंट करके बताएं। थैंक यू सो मच।